इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का पेपर। बहुत शानदार पेपर, देखिए पहला आपने क्या आंसर दिया है, पहले इसके एक्स्ट्रा नॉलेज को डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप, इफ यू ग्रीस दियर पाम दे वुड हैव हश्ड अप योर हश हश मैटर और हगर मगर मैटर स्विफ्टली। हमें पहले एक्स्ट्रा नॉलेज डिस्कस करनी है कि क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे। पहला कहता है ग्रीस पाम, ग्रीस समबड़ी पाम, पाम का मतलब हथेली, और आपको बता दिया था किसी की मुट्ठी गर्म करना, किसी मुट्ठी गर्म करने को कहते हैं पाम, ग्रीस समबड़ी पाम, या इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में बोले तो किसी को रिश्वत देना आपका कहलाएगा ग्रीस समबड़ी पाम, किसी को रिश्वत देना, किसी की मुट्ठी गर्म करना, किसी को जिसे कहते हैं कि आपका रिश्वत देना, जो पुलिस वालों को या किसी को भी देने की कोशिश करता है या करेगा, वो एक अलग मैटर है। सेकंड हमारी वोकैब आती है हशअप, हशअप का मतलब होता है मामले को दबा देना। यदि किसी को रिश्वत दी जाएगी तो नेचुरल है वो उसे हशअप करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, रफा दफा करना जिसे हम लोकल भाषा में यूज करते हैं, दैट इज हशअप, मुट्ठी गर्म करना। उसके बाद हशअप आया, उसके बाद मिलने आपसे हश हश मैटर आया। देखिए तीन चल रहे हैं कार्यक्रम तैयार, हश हश मैटर, या इसी का दूसरा नाम है हगर मगर मैटर, हगर मगर मैटर यानी गुप्त मामला, संगीन मामला, कोई मर्डर हो गया और उसे छिपाया गया, तो दैट इज हगर मगर मैटर, हश हश मैटर। कल मैंने ग्रामर के दो शॉर्ट नोट्स के टॉपिक भेज दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, उसको रिवाइज कर लेना, ऐसी अपन पूरी ग्रामर को एक घंटे में कॉम्पैक्ट कर देंगे, ओनली एन आवर में। आप मेरे से जुड़े, मैं आपको भेज दूंगा शॉर्ट नोट्स, प्रेजेंट के भेज दिए थे, लास्ट के टाइम में जब हमारा एक दो दिन बचेगा अपन पूरी ग्रामर को एक घंटे में रोटेशन पे डाल देंगे, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ वोकैब डिस्कस कर ही रहे हैं। फिर आया आपके पास स्विफ्टली, स्विफ्टली आपका एडवर्ब है, स्विफ्टली आपका एडवर्ब है, जल्दी से, तेजी से, स्विफ्ट की गाड़ी भी आती है। स्विफ्ट आपका एडजेक्टिव है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर ले पढ़ेंगे ग्रामर में, स्विफ्टली हमारा एडवर्ब है, जिस वर्ड में एलवाई आता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है, और जो नाउन से पहले आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, जैसे स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट पनिशमेंट, और स्विफ्टली जल्दी से। ये दे गया हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज, ग्रीस पाम मुट्ठी गर्म करना, हशअप रफा दफा करना, हश हश या हगर मगर मैटर, गुप्त मामला, संगीन मामला, आपका जिसे कहते हैं बहुत ही संगीन मामला, जैसे फॉर एग्जांपल भवरी देवी मर्डर केस, आयुषी मर्डर केस, ऑल ओवर द हश हश मैटर एंड हगर मगर मैटर। आप लोकल स्टूडेंट हैं तो अपनी नॉलेज को सीधा कनेक्टिविटी दीजिए लॉ से, क्राइम मैटर से, क्राइम सीन से, जिससे आप वर्ड भी याद रहेंगे और आपको अपने उस चीज में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा पैदा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के असली कार्यक्रम पर। तो क्वेश्चन कहता है भैया आंसर कहां से आएगा, बोले इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन से। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आंसर कहां से कन्वर्ट होगा, बोले इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन से। क्या कहती है इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन, इफ आएगा, आ गया, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड प्लस वी थ्री आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव, दोनों में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल को वापस कल वाले रूल को इंपोर्टेंट करिए, इफ आ गया तो उसके बाद हेड प्लस वी थ्री आएगा, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हेड, इफ यू हैड ग्रीस्ड योर पाम दे वुड हैव हश्ड अप योर हश हश मैटर और हगर मगर मैटर स्विफ्टली। इसका अर्थ कौन बताएगा वाक्य का, वाक्य का अर्थ बताओ, अंग्रेजी पढ़ना सीखो क्योंकि एपीओ में आपकी प्रेसी भी आएगी, आपका सब कुछ आएगा, तो दोनों चीजों पर कमांड बराबर चलना चाहिए। इसका इसका रीडिंग कौन करेगा, सही आंसर सही पढ़ेगा कौन, पढ़ो गलत पढ़ो सही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसे कर लो मुझे चैलेंज लेना है, टेक गोटलिट वाली आदत डाल दो, यदि तुम उनकी मुट्ठी गर्म करते तो वे इस गुप्त मामले को जल्दी से दबा सकते थे, इस गुप्त मामले को हशअप कर सकते थे, नहीं किया क्योंकि तुमने उनकी मुट्ठी को गर्म
नहीं किया, तुमने भी कंडीशन को रोक दिया तो उन्होंने भी कंडीशन को रोक दिया। क्लियर पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे पर, इफ द गवर्नमेंट हैड इंप्लीमेंटेड लुक्रेटिव पॉलिसी द पुअर गो टू स्क्वायर मील ए डे कैटेगोरिकली। फिर दोबारा, इफ द गवर्नमेंट हैड इंप्लीमेंटेड लुक्रेटिव पॉलिसीज द पुअर गो टू स्क्वायर मील ए डे कैटेगोरिकली। एक्स्ट्रा नॉलेज हमें निकालनी है, निकाली एक्स्ट्रा नॉलेज कहां से, हमें एक्स्ट्रा जो नॉलेज हमारी वोकैब है या कोई रूल है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला रोटेशन लेगा टू स्क्वायर मील ए डे, दिमाग में रोटेशन आ गया होगा टू स्क्वायर मील ए डे। आंसर क्या आएगा, दो वक्त की रोटी, बार बार टकरा रहा है वो करते करते पक्का हो जाएगा। पानी की एक बूंद हजारों सालों तक एक चट्टान में गिरती है, उसको ब्लास्ट कर देती है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है, तो आपका माइंड तो बहुत शार्प है। दो वक्त की रोटी, बस उस प्रतिभा को तलाश करना कि मेरे अंदर प्रतिभा क्या है, और गुरुजी का बैकग्राउंड का मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है उस प्रतिभा को बाहर निकालने में। इम्प्लीमेंट पॉलिसी हमेशा इम्प्लीमेंट होती है, आपको पता है पॉलिसी हमेशा इम्प्लीमेंट होती है, लागू होना। कानून होगा तो इम्पोज होगा, पॉलिसी होगी तो इम्प्लीमेंट होगी, कहानी खत्म। और क्या है, ल्यूक्रेटिव पॉलिसी, फायदेमंद नीति, ल्यूक्रेटिव पॉलिसी, फायदेमंद नीति, फायदेमंद नीति को कहते हैं ल्यूक्रेटिव पॉलिसी। कोई भी नरेगा है, कोई भी गरीबों के लिए चावल दूध की जो है पॉलिसी है वो कहलाएगी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी। कैटेगोरिकली, एक अच्छा वर्ड, कैटेगोरिकली बिना शर्त के, आप इसको लॉ भी यूज करेंगे, आप इसको कोर्ट भी यूज करेंगे कि आई विल रिजेक्ट योर बेल कैटेगोरिकली, मैं तुम्हारी बेल को रिजेक्ट करूंगा बिना शर्त के, कोई कंडीशन नहीं है, या तुमको बिना शर्त के बेल दी जाती है, कोई शर्त इम्पोज नहीं कर रहे, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर रहे, दैट इज कैटेगोरिकली। टू स्क्वायर मील ए डे, इम्प्लीमेंट ल्यूक्रेटिव पॉलिसी कैटेगोरिकली। क्वेश्चन नंबर चार, आपको अपने आंसर के अलावा चार शानदार नॉलेज देकर जा रहा है जो एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगी। मतलब पेपर आपको अपना गुलाम लगना चाहिए कि कोई पेपर है क्या, ये तो सर ने पढ़ाया डायरेक्ट वहीं से आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा वहां पर, लेकिन नॉलेज आप ये पूरी की पूरी कंटेन करेंगे। टू स्क्वायर मील ए डे, दो वक्त की रोटी, इम्प्लीमेंट पॉलिसी को लागू करना, ल्यूक्रेटिव पॉलिसी, फायदेमंद नीति, कैटेगोरिकली बिना शर्त के। जितना इंग्लिश से टकराओगे उतना फोबिया खत्म होता जाएगा। लोग सोचते हैं लिमिटेशन में रहकर हम अंग्रेजी को तैयार करेंगे, तो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने करियर के लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कुठाराघात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन वही, पहले में हेड प्लस वी थ्री आ गया, पहले में इफ के साथ हेड प्लस वी थ्री आ गया तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वुड हैव और कुड हैव के साथ B3, matter is over, mathematical खेल खेलना है अंग्रेजी के साथ, बिल्कुल मैथ्स की तरह ये, वहां पे भी 2+2=4 होता है, यहाँ पे भी 2+2=4 होता है, लोग इसको रटते हैं, रट कर कोई सोचे मैं एग्जाम को क्लियर तो सीधे हिला के भी रख दूंगा, नहीं हो सकता, यहीं पर चेक कर लो वहां जाने की जरूरत क्या है, एग्जामिनेशन होते प्रोसेस है, सिलेक्शन और रिजेक्शन तो एग्जाम के बाहर हो जाता है, वहां तो सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। द पुअर, अब नेचुरल आपने कह दिया सर वुड हैव, वुड हैव के साथ गॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉट। हर छोटी बड़ी चीज नॉलेज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, नॉलेज हमेशा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि तो छोटा सा मिस्टेक भी हमें बर्बाद करने के लिए मोर देन सफिशियंट, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। गेट का कोई गेटेड कर देता है, क्योंकि हमारे इम्पार्टिंग सिस्टम ने ऐसा सिखाया ही नहीं ना, टेंथ में ये सब चीजें सिखा देते तो प्रॉब्लम क्यों होती, याद नहीं होती, कोई इसको गेटेड कर देता है, कोई गॉट करता है, तो आपने दूसरा जो क्वेश्चन फाइंड आउट किया, आंसर फाइंड आउट किया लॉजिक के साथ, बेस के साथ, वो है आपका वुड हैव। तीसरे क्वेश्चन पे आइए, ये तीन एक ही चीज से क्या होगा, वुड हैव, अर्थ इसका देखिए, इफ द गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज, यदि सरकार फायदेमंद नीतियां लागू करती तो द पुअर वुड हैव गॉट टू स्क्वायर मील ए डे कैटेगोरिकली, तो गरीब बिना शर्त के दो वक्त की रोटी को प्राप्त कर
कर सकते थे, कर सकते थे, इस वर्ड पे आपको एम्फसाइज करना है, करते नहीं, करते पे तो फिर और कहानी जाएगी, कर सकते थे, इसीलिए वुड हैव आया। क्लियर? पहला एक बार आप इसको पढ़ के बताइए समझते हुए। बोलिए, भय खोल दीजिए, फोबिया खोल दीजिए, मैं आपके साथ हूं, आप बोलो, इसका अर्थ बोलो आराम से पढ़ते हुए समझते हुए। यस, लागू करती तो, वेरी गुड, तो गरीब लोग दो वक्त की रोटी प्राप्त कर सकते थे। इसी को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आप, अंग्रेजी बोलो कैटेगोरिकली, तू डरो मत, गलत बोल रहा है गलत बोलो, लेकिन बोलो, वुड शुड कुड विल टॉक सब बोलो, लेकिन बोलेंगे अंग्रेजी में, बोलेंगे अंग्रेजी में, डरो मत, मैं आपके साथ हूं ना। फिर डर किस चीज का, फोबिया किस चीज का, मजा कोई किसी की उड़ाएगा नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, नहीं आता तभी तो यहाँ बैठे, यहाँ पे तो एडबल पे एप्पल भी नहीं आता, नहीं आता ऐसा अभी गर्व की बात है, क्योंकि गुरु जी ने नहीं सिखाया, आपका दोषी थोड़ी, फिर आप क्यों शर्माते हो, आप क्यों डरते हो, डरे वो गुरु जो अच्छी तरह लेकर भी एडबल भी एप्पल नहीं सिखा पाया, डरे तो वो शब्द उसके लिए हमारे लिए क्या, नहीं सिखाया आज सीखेंगे कोई बात नहीं, और गुरु के पास लेके जाओ तो एक ब्लैंक पेज लेकर जाओ तो गुरु जी सब कुछ सिखा दो, आप अभी तो ABCD आती है और कुछ नहीं आता है, डरो मत, टकराओ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, आपको बता दूं, ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये डेवलप करोगे, किसी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाती है ये, कुछ नहीं, ये आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस का खेल है जीवन, और है जब आप सीट पे बैठोगे तो कॉन्फिडेंस, नहीं तो आएगा दिल्ली वाला वकील आपको हिला के चला जाएगा, क्यों भाई, वो अंग्रेजी में बोलेगा तेरे से बढ़िया अंग्रेजी आती है बोल, क्या बोलेगा, तो कॉन्फिडेंस तो आपको लाना, डरो मत, ये ऐसी क्लास है जहां पर आप अपनी पर्सनली डेवलप कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो, डरो मत, फोबिया मत करो, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ, अराउंड एक लोग 24/7 मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस वो करके दिखाओ कि दुनिया के यहाँ पंकज सर के स्टूडेंट्स हैं, राजश्री के स्टूडेंट्स हैं, आज अपने नेम को और फेम को बहुत ऊपर तक लेके जाना है मेहनत के द्वारा, और लेके जाएंगे, ये डेड सर्टेन है। हैड एन ऑफर, ल्यूड रिमार्क्स एट द गर्ल्स, द मासे वुड हैव वल्ड हिम वेरी बैडली, पहले वॉकेब से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वॉकेब यदि हमारी घूमेगी तो पेपर हमारा आसानी से घूमेगा, ग्रामर को घुमाने का काम 1 घंटे का मात्र एन आवर का काम है, पढ़ने के बाद वॉकेब को घुमाने का काम हम सीख रहे हैं। लॉफर, आवारा, लॉफ यानी आवारा गर्दी करना, आवारा को बोलेंगे लॉफर, इसके वर्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन आज नहीं ले रहे। दूसरा क्या चाहता है, ल्यूड रिमार्क्स, अश्लीलता का टिप्पणी, लड़की के बारे में, महिला के बारे में कुछ भी कह दिया, अश्लील भाषा कर दी, कोई ऐसी टीका टिप्पणी कर दी जो थोड़ी सी अपमानजनक है, अश्लील टीका टिप्पणी, अश्लील टीका टिप्पणी को कहते हैं ल्यूड रिमार्क्स। अभी हम आंसर पे नहीं आ रहे, अभी तो हम एक्स्ट्रा गेम खेल रहे हैं। फिर आता है मासे, मासे का मतलब आम जनता, मासे का मतलब है आम जनता, जनरल पीपल मासे कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है वलप, वलप आपसे बहुत अच्छी दोस्ती कर चुका है, WALLOP, वलप यानी बुरी तरह पिटाई करना, वलप वो गलप, दैट इज जी, दैट इज W, वो तेज चाल को बोलेंगे गलप, कोई आपकी चैन लेकर भाग गया तो आप रन थोड़ी करेंगे, गलप ही तो करेंगे, गलप यानी बहुत तेज चाल, दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज जी, दैट इज W, वलप बुरी तरह पिटाई करना, हो गया कार्यक्रम, और आ जाइए फिर वेरी बैडली से बात करेंगे, इसको भी हल्का मत लेना, बोले सर वेरी बैडली क्या है, कोई ग्रामर थोड़ी है, अरे वेरी बैडली तो इतनी खूबसूरत ग्रामर है जिसका क्या कहना, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, बुरे तरीके से, बुरे तरीके से, कोई आपसे पूछ ले, हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, आप सोचो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे कुछ भी फर्क पड़ सकता है, वो तो हमारे नसीबों की बात है। वेरी बैडली एक एडवर्ब है, इसको एडवर्ब में पढ़ाऊंगा, वेरी भी आपका एडवर्ब है, ये वेरी बहुत काम आएगा, ये वेरी बहुत काम आएगा। क्लास में बैठोगे तो इतने पारंगत हो जाओगे जिसका क्या कहना है, और जो क्लास को इग्नोर करेगा वो आपसे तो बीट नहीं कर पाएगा, दुनिया से बीट कर सकता है लेकिन आप लोगों को तो बीट नहीं कर पाएगा, ये मेरा रिटर्न चैलेंज है। अब यदि हमको किसी को कहना ये बहुत खूबसूरत है तो अपन क्या यूज करते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट है तो अपन यूज करते हैं ये वेरी साफ ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल,
ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक है। और मैं कहूं कि साहब ये हद से ज्यादा बदसूरत है, तो कि साहब ये तो हद से ज्यादा बदसूरत है, इससे क्या शादी करेंगे, नहीं करेंगे हम, तो हद से ज्यादा डफर है, तो क्या वैरी आएगा? नहीं, यहाँ पर इसका एक दुश्मन पैदा होगा जिसको कहते हैं चूअगली। ये बुरे शब्द को और बुरा करता है, ये अच्छे शब्द को और अच्छा करता है, और दोनों का नाम है एडवर्ब। रहते ये एडवर्ब के गांव में, ये बात तय है। टू बहुत ज्यादा बुरे शब्द को और बुरा करेगा और वेरी अच्छे शब्द को और अच्छा करेगा। ये नॉलेज ही आपके पास नहीं थी। आज मौसम बहुत गर्म है, टुडे वेदर इज टू हॉट। बुरी बात है ना मौसम का गर्म होना, टू हॉट। बुरे को और बुरा बताएगा तो टू से आना पड़ेगा, वेरी तो आपने बाय बर्थ सीख ही लिया था, तो सारी कहानी खत्म होती है। लोफर आवारा अश्लीलता का टिप्पणी ल्यू रिमार्क्स मां से आम जनता वलभ बुरी तरह पिटाई करना, जिसका फॉर्मूला था मैं फरीदाबाद विदाउट टिकट जा रहा था, बॉल प्ले वलभ और आपका मैं फरीदाबाद, बॉल प्ले वलभ और थ्रैश। वेरी बैडली ग्रामर का पार्ट है, बैडली भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, इसका रोल बहुत खतरनाक आएगा, इसका लिखने में रोल बहुत खतरनाक होता है। आरजेएस के सिलेबस में एडवर्ब को उठा रखा है, प्रपोजिशन को उठा रखा है, तो उन महान लोगों से पूछे भी रिटर्न कहां से होगा? यदि प्रपोजिशन और एडवर्ब के बारे में आपको कैसे कहना पता नहीं है तो आप रिटर्न कैसे करेंगे? रिटर्न में जैसे आप मिस्टेक करेंगे गोला लगेगा, तो सिलेबस तो पूरा दो कम से कम, ताकि रिटर्न में लोग इसको पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं तो हाउ कैन यू रिटर्न? प्रपोजिशन का रोल ही पता नहीं है, अलोंग क्या है, ओवर क्या है, इट क्या है, इनटू क्या है, टू क्या है, विद क्या है, तो आप लिखो हर लाइन में प्रपोजिशन तो चाहिए होगा ना, जरूर पता ही नहीं है। तो दैट इज द फ्रेगमेंटेड सिलेबस, अधूरा सिलेबस है वो, उसको पूरा करना चाहिए। वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो मैंने कल क्या बताया था, यदि इफ की कंडीशन में हेड से अपना वाक्य शुरू कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लिखने पर दिखने पर फर्क पड़ेगा, उसके अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या आएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ए लॉफर पास्ट। ल्यूड रिमार्क्स द गर्ल्स द मासे वुड हैव वलब हिम वेरी बैडली। पढ़ो इसको, अर्थ बताता हूं मैं। यदि एक आवारा लड़कियों पर अश्लील टीका टिप्पणी करता तो द मासे आम जनता वुड हैव वलब हिम, उसकी बुरी तरह पिटाई कर सकती थी, बुरी तरह पिटाई कर सकती थी। इसको पहले इंग्लिश में पढ़ो, फिर इसका हिंदी अर्थ कौन बताएगा नंबर बाई नंबर? अब आप चलो आपका नाम बताइए, सब पढ़ो, आज अपन संडे को ही करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए, अर्चना आपका, राधिका, राधिका इंग्लिश में पढ़ो और हिंदी में पूरी क्लास को समझाओ। इनको ये भी बताओ कि कौन सी कंडीशन से फॉलो हुआ है, ये भी इनको समझाओ। वेरी गुड, इंटरव्यू चल रहा है आपका, मैं इंटरव्यू करूं आपसे, ये क्वेश्चन पूछता हूं कि स्टाफ को समझाओ। अरे बोलो, भय खोल दो, फोबिया खत्म करो। यस, वही रहेगा जो हम इफ से शुरू करते तो भी यही रहता, और हेड से शुरू करते तो भी यही रहता। वेरी गुड, आगे बढ़िए, क्लियर। ऐसे आप करेंगे तो आपका इंटरव्यू इनडायरेक्टली तैयार हो जाएगा, आपके बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके समझाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। आप इंटरव्यू में समझाने तो जाओगे, चुप थोड़ी रहोगे, समझाओगे सामने वाले को कि क्या समझाना है, तो कैपेसिटी अभी से बढ़ाओ ना, आया ये तो 6 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, तो भी वही बात है, और हेड से स्टार्ट होगा तो भी वही बात है। आपका एब्सेंट रह गए इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक दिन की एब्सेंट 500 लोगों से पीछे, ये दिमाग में लिख लेना अभी, एक दिन की एब्सेंट 500 लोगों से पीछे डालेगी, अपने लोगों से, उनसे नहीं, बाहर वालों से तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इफ आई एन अर्चिन रेट, अर्चिन का मतलब लिखो थोड़ा सा बदमाश, थोड़ा सा शरारती, बच्चे भी अर्चिन होते हैं, चूहा भी अर्चिन होता है, अर्चिन का मतलब थोड़ा सा शरारती, अच्छी शरारत वाला, शरारती जिसका अपन ने वर्ड किया था राउडी, राउडी का मतलब भी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे भी राउडी होते हैं और चूहा भी अर्चिन होता है, चूहे से याद करो। फिर आगे बढ़े, हाइड एंड सिक गेम, आंख मिचोली का खेल जो अपन ने बचपन में खूब खेला है, हाइड एंड सिक गेम, हाइड का मतलब छिपो, सिक का मतलब ढूंढना, उस बचपन को याद कर लो जो बड़ा प्यारा हुआ करता था, आंख मिचोली का खेल। अब बोले सर इसको ऐसे में कहाँ काम में लेंगे, कोई भी क्राइम से रिलेटेड ऐसे हो वहां काम में ले लो,
कि अपराधी पुलिस वालों के साथ क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक गेम। तो द ऑफेंडर्स प्ले हाइड एंड सीक गेम विद द पुलिस, आंख मिचोली का खेल, वो छिपते हैं फिर पुलिस उसको ढूंढती है, फिर वो जिसे कहते हैं छापा मारती है, कभी मिल भी जाते हैं कभी नहीं भी मिलते, हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं वो कभी नेट पे डाल देते हैं साहब सलमान खान पर फायरिंग हमने करवाई, अब पुलिस ढूंढती रहती है उसको कहां से आया, कहां से मैसेज आया, आईडी प्रूफ क्या है, आईडी एड्रेस क्या है, ये तो करती है ना, दैट इज हाइड एंड सीक गेम। आगे चलो, इंग्लिश का इंटरेस्ट लो, दिस इज नॉट ए लैंग्वेज, नॉट ए सब्जेक्ट, जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कॉर्पुलेंट मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जानबूझ के ये वर्ड्स बढ़ाता हूँ, मेरा पेपर सेट करने का तरीका थोड़ा सा खतरनाक है। कॉर्पुलेंट मोटा, लेकिन आज आपका फोबिया खत्म होता जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे लग रहा है कुछ गेन किया, निरान जाता है सीता गाती है उसमें क्या, वो तो पढ़ पढ़ कर यहाँ तक पहुंच ही गए। वैक्स परेशान करना, नॉलेज भी दो तरह की होती है, एक बर्बाद करने वाली एक आबाद करने वाली, एक दिमाग करो कौन सी नॉलेज लेनी है आपको। परेशान करना, आपको कंपटीशन देने की फॉर्मेलिटी करनी है तो नॉलेज अलग है, आपको सफल होने की वो लेनी है तो तपना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, बिना तपे आप कुंदन नहीं बन सकते, ये समय का सच है, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, और जो इस मैथमेटिकल फैक्ट को डिनाई करेगा कि साहब मैं बिना पढ़े ही जो है पास हो जाऊंगा मंत्रों से, तो भैया हो जा बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 से नॉलेज जो फाइंड आउट किया वो देखिए, अर्चिन और राउडी शरारती, हाइड एंड सीक गेम, आंख बिचोली का खेल, कॉर्पुलेंट मोटा और वैक्स किसी को परेशान करना तंग करना वैक्स कहलाएगा। आंसर की तरफ रोटेट लेती है, अब जाता है भैया आंसर में दे जाओ, ये तो आपने नॉलेज को निकाल लिया, अब कहता है आंसर दीजिए। पहला ये क्वेश्चन कहां से कवर हो रहा है बताइए, विनायक बताओ कहां से कवर हो रहा है, इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन से, क्लियर। वो क्या कहती है उसकी भी एक बार दास्तान सुन लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपने अनुज पूछा था वर्ब नहीं आएगी ऑब्जेक्ट आएगा कि वर्ब की जरूरत ही नहीं है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस या तो वुड या कोड नॉलेज। देखो कैसे रोटेट हो रही है, क्योंकि आपने तय कर लिया इस नॉलेज को डाइजेस्ट करना है, क्लियर। वर आ गया, इसको ये चाहिए या ये चाहिए, ये भी इससे पूछ लेती है, कहता भाई पहले में वर हो तो क्या आएगा, वर। इफ आई वर एन अर्चिन रैट आई वुड प्ले हाइड एंड सीक गेम विद एन कॉर्पुलेंट कैट टू वैक्स हर। अब सेंटेंस का अर्थ है, यदि मैं एक शरारती चूहा होता तो मैं एक मोटी बिल्ली के साथ आंख बिचोली का खेल खेलता उसे परेशान करने के लिए। बिल्ली वहां पर है, मैं यहाँ पर हूँ, आजा। वो आया फिर छुप गया, फिर बिल्ली गई, आजा, मजा आता है ना, क्लियर। आपका नाम बताइए, भारती, भारती पढ़ो और अर्थ बताओ, वेरी गुड। टू वैक्स हर, वैक्स परेशान करना, तो इसने कहा कि यदि मैं शरारती, कल्पना की यदि मैं शरारती चूहा होता तो एक मोटी बिल्ली के साथ जो है आंख बिचोली का खेल खेलता उसे परेशान करने के लिए। बिल्ली माई आजा, बिल्ली मौसी आजा खा ले, फिर मैं छुप जाता बिल में और मैं उसके साथ गेम खेलता रहता, जैसे ये लोग करते हैं रोहित गोदारा अपने विष्णु, यही तो खेल खेलते हैं, खट मैसेज कर देते हैं, हाँ साहब गोगा बेड़ी को हमने मारा, पकड़ो, पुलिस ढूंढती है आईपी एड्रेस कहाँ से आया, ढूंढने मजे करता है वो, फिर वो एड्रेस कर देता है फलाना काम मैंने किया, फिर वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, उसकी मर्जी है वो कुछ भी खेले। हाँ जम्पशन, इमेजिनरी एंड आपका जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल, जम्पशन ही तो कर रहे हो, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई द स्काई, यदि मैं एक वकील होता तो आरजेएस का एग्जाम देता, इफ आई वर ए लॉयर ही वर ए लॉयर शी वर ए लॉयर यू वर ए लॉयर राम वर ए लॉयर आई वुड अपीयर इन आरजेएस एग्जामिनेशन। आगे आइए, हाँ इफ की तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है, एक जो है ये आप दो क्लास में आंसर दे गया, हाँ तो मैं दोनों को समझा दूंगा, मैं तीनों का ग्राफ बनाऊंगा अभी खत्म होने के बाद, मैं तीनों का ग्राफ बनाऊंगा और तीनों क्वीज आपको दिमाग में फीड करनी है, तीनों का एक ग्राफ बनाएंगे मैथमेटिकल की, पहली कहां दूसरी कहां तीसरी कहां, अभी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। देखिए इफ आई, सॉरी फिफ्थ पर आइए, इफ आई वर ए डायाबोलिक, सर डायाबोलिक किसको कहते हैं, डायाबोलिक कहते हैं हैवान को, डायाबोलिक किसको कहते हैं हैवान को, हैवानियत का कोई केस याद है आपको, शायद 2004 में कांड हुआ था निठारी कांड दिल्ली के आसपास, उसमें दो लोग थे मुजिंदर सिंह और उसका नौकर कोहली सुरेंद्र कोहली, सुरेंद्र कोहली को तो फांसी हो गई, मुजिंदर कोहली बच गया, वो क्या करते थे बच्चों को मार काट के
खा जाते थे, तो उसे उसको पढ़ना आप नेट पे, डायबोलिक वर्ड जरूर आएगा। सुरेंद्र कोहली का और मुदिंदर सिंह का केस 2004 या 2000 का है, दिल्ली का नोएडा के पास में, वहां पर डायबोलिक वर्ड जरूर आएगा हैवान। और मां से आपने कर ही लिया, आम जनता। अब आता है लिंच लो, जिस पर ऐसे आने की संभावना मुझे अच्छी लग रही है। लिंच लो का मतलब है भीड़ का कानून। लिंच लो का क्या मतलब है? भीड़ का कानून। इस पर ऐसे आने की संभावना मुझे अच्छी लग रही है इस बार 2024 में, क्योंकि बहुत बर्निंग इशू है, बहुत शानदार इशू है। इस पर ऐसे लिखवाऊंगा मैं आपको लिंच लो। कोई उदाहरण दे सकते हैं लिंच लो का? आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में लिंच लो का कोई उदाहरण दीजिए। आप लोकल स्टूडेंट, आपको जीके भी बहुत परफेक्ट रखनी है। लिंच लो का सबसे बढ़िया उदाहरण है अलवर का पहलू खान, जिसको भीड़ ने मार दिया था। पहलू खान एक एसएचओ था सवाई माधोपुर में, नाम भूल गया मैं क्या ना, फूल मोहम्मद, उसको भी भीड़ ने मारा था। एसएचओ था, उसको भी भीड़ ने मारा था। एक एसएचओ था अपने फतेहपुर कानून गो, वो भी एसएचओ था, उसको भी लिंच लो ने मारा था। जब भीड़ किसी को मार दे तो वो लिंच लो कहलाता है। विदाउट एनी मकसद, विदाउट एनी मोटिव, जब भीड़ किसी का मर्डर कर दे, भीड़ किसी को किल कर दे, तो क्या कहलाएगा? लिंच लो। आपको इसका जो है क्रिमिनल बेस तैयार होना चाहिए, आपके पास इसके उदाहरण होने चाहिए। और आपको याद है जब कोरोना आया था, तो याद है पालघर की घटना घटित हुई थी महाराष्ट्र में, दो साधुओं को मारा था, दैट इज लिंच लो। मारा था ना, टिप्स फॉर नॉलेज। ऐसे इंटरव्यू घबरा जाए आदमी कि क्या है इंटरव्यू, कोई बकवास थोड़ी इंटरव्यू। अरे हो सकता है कि उसको सामने वाले को हमसे कम नॉलेज हो, लेकिन घबराते हैं, पैर धोते हैं, क्या नॉलेज लेकर जाओ इंटरव्यू पर, क्या बिगाड़ लेगा आपका। लिंच लो का भेड़ का कानून कर ली हमने, एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाइए क्वेश्चन पर। वही इफ की कंडीशन से फॉलो हो रहा है, तो आपने पहले वर्ब रहा था, तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा? या तो वुड के साथ बी वन या कुड के साथ बी वन। मैंने आपको पहले भी कहा था कभी सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर धुआंधार प्रैक्टिस क्या करते हो। सचिन को बैट चलाना तो बहुत पहले आता था, लेकिन वो महान क्यों बना? वो महान इसलिए बना कि उसने हजारों तरीके से बॉल को समझा, हजारों तरीके से खेला, हजारों तरीके से अपनी टेक्निक को डेवलप किया, इसलिए सचिन बना। महान बनने के लिए अपने नॉर्मल काम को स्पेसिफाई कर दो, महान बन गए आप। सब्जी छूकना तो सबको आता है ना, फिर संजीव कपूर का ही नाम क्यों है? सब्जी तो अपन सभी छूकते हैं, करो वो महान क्यों है? क्यों? क्योंकि उस सब्जी छूकने को हजारों तरीके से डेवलप किया, इसलिए संजीव कपूर बन गया। इतनी सी बात है। तो आइए, आपने बुढ़ भरा, आंसर खत्म। अनुज पांचवे को पढ़िए, यदि मैं एक हैवान होता तो मुझे आम जनता भेड़ के कानून से मार देती, मैं कल्पना कर रहा हूं। अनुज पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, फिर इसका आंसर दीजिए। डरो मत, फोबिया ले लो, मतलब करेक्शन ले लो। मासे वुड, वुड भर के वुड किल्ड हिम विथ लिंच। चलो फिर आराम से पढ़ो मेरे साथ साथ। इफ ही वर ए डायबोलिक, द मासे वुड किल्ड हिम विथ लिंच। चलो देखो कैसा मजा आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में, ऐसे चेंजिंग आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दो चार बार ऐसी प्रैक्टिस करके ले गया ना, तो आपको लगेगा अंग्रेजी से बिना कुछ बोलना ही नहीं है। बाय द नेक्स्ट ईयर दे दियर मॉरीमेंट बिजनेस ड्यू टू कलोजल लॉस। बात करो मॉरीमेंट बिजनेस से, भैया तू क्या चाहता है, क्या तेरा अर्थ है, क्या मॉरीमेंट बिजनेस का ये क्वेश्चन, ये वर्ड काम आएगा हमारे। मॉरीमेंट बिजनेस का मतलब है समाप्त होता हुआ, डूबता हुआ। मॉरीमेंट फिफ्थ वाले में और फोर्थ वाले में इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन एक ही रूल लगेगा। अभी मैं समझा देता हूं, आप एब्सेंट रहे इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं तीनों क्वीन को एक बार भी समझा दूंगा, एक ग्राफ से समझा दूंगा, फीड कर दूंगा। मॉरीमेंट का मतलब होता है डूबता हुआ, समाप्त होता हुआ। इसको वर्ड को इंपोर्टेंट कर लेना, ये ऐसे में जाएगा, डूबता हुआ समाप्त होता हुआ। मॉरीमेंट, आज एक बात बताओ, अपने दादाजी पगड़ी पहना करते थे ना, अब पंडी पहनते मॉरीमेंट है ना, पांव छूने की जो कल्चर है मॉरीमेंट है ना, समाप्त होता हुआ मतलब एंड हो रहा है उसका, डूबता हुआ। आज अपन पगड़ी क्यों नहीं पहनते, आज अपन धोती और कुर्ता क्यों नहीं पहनते, मॉरीमेंट हो गया ना,
पैर छूने की जो कल्चर है मौरीबंद हो गई, खत्म हो रही है पैर छूने की, संस्कार ही नहीं है। पैर छूना तो महापाप है, ये नहीं जब अपने सीनियर के पैर छुएंगे तो आशीर्वाद ट्रांसफर होगा, उसकी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होगी, लेकिन कौन ऐसे साहब नहीं करेंगे, डूबता हुआ है, समाप्त होता हुआ है। आज हमारी कल्चर मौरीबंद नहीं है क्या? आज लोग लीव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए, मौरीबंद नहीं है, बिल्कुल मौरीबंद है, समाप्त हो गई, बट कल्चर ही समाप्त हो गई। हाँ तू लड़की है मैं लड़का हूँ, चार साल साथ रहेंगे तो फिर ही ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, लीव इन रिलेशनशिप में ले जाओ, राजस्थानी कल्चर में ले जाओ, आपकी मर्जी है जहाँ ले जाओ, वर्ड तैयार बैठा हुआ है कि यूज कहाँ करना है। तो फिर आता है कलोजल लॉस, कलोजल लॉस का मतलब भारी नुकसान, कलोजल लॉस भारी नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया मेरा, 20 लाख रुपए थे। कल मेरा एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर मेरे 20 लाख रुपए का घाटा हो गया, विश्वासघात हो गया मेरे साथ, वो कलोजल लॉस बोलेगा, भारी नुकसान, दो वर्ष से आपने दोस्ती कर ली, कर लू। कलोजल लॉस कहता है भारी नुकसान, मौरीबंद बिजनेस कहता है डूबता व्यापार। ठीक है साहब, कर ली, बहुत अच्छा डिस्कस कर लिया। ग्रामर पावर आती है बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर ने आपसे एक उम्मीद की थी, बाय द नेक्स्ट ईयर पर ग्रामर घूम गई पूरी की पूरी। इसने कहा था रूम नंबर 11 में जाना है, क्योंकि अगले साल तक आप आरजेस बन चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज राइट, विल हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म, ये नॉलेज रखो, बोलने से पहले लिखने से पहले नॉलेज पैदा हो जाए, वो ताकत रखो, अल्लाह दी लैब कहते हैं इसको, रगड़ दे तैयार। विल हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म, लेकिन अभी भी कहानी हमारी जिंदा है। वुड हैव नहीं आएगा, आपका विल हैव वाइंड अप नहीं आएगा, क्योंकि वाइंड अप की थर्ड फॉर्म वाउंड अप होती है। तो आपका ए ऑप्शन गलत, आपका सी ऑप्शन गलत, आपका जो है क्या आएगा, ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि दे के कारण एक्टिव वॉइस है, इसलिए विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाउंड अप का मतलब होता है समाप्त कर देना, व्यापार को बंद कर देना, वाउंड अप समापन करना, समापन कर देना। कोई अपने व्यापार को यदि क्लोज करता है तो सही फ्रेजल वर्ब होती है वाइंड अप, सेकंड फॉर्म वाउंड अप, थर्ड फॉर्म वाउंड अप। इसको फ्रेजल वर्ब के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको फ्रेजल वर्ब के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट कर लेना, कि व्यापार बंद करने के लिए वर्ड कभी क्लोज नहीं आएगा, व्यापार बंद करने के लिए वर्ड हमेशा वाइंड अप आएगा, सेकंड फॉर्म वाउंड अप होगी और थर्ड फॉर्म भी वाउंड अप होगी। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर किसको बेस बनाया, बाय द नेक्स्ट ईयर को, बाय द नेक्स्ट ईयर के कारण हमारा आपने का फ्यूचर परफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही है। फ्यूचर परफेक्ट में 11 नंबर में रहता कौन है, विल हैव, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बोले सर एक्टिव में जाएगी पैसिव में जाए, बहुत प्यार से देखा, दे आ गया तो एक्टिव वॉइस, क्या कहता है बाय द नेक्स्ट ईयर, दे विल हैव वाउंड अप देयर मौरीबंद बिजनेस ड्यू टू कलोजल लॉस, अगले साल तक वे डूबते व्यापार के कारण अपना जो सॉरी डूबते व्यापार के कारण भारी नुकसान के कारण अपने डूबते व्यापार का समापन कर चुके होंगे। संभावना है 100%, तो मैं भी नहीं, संभावना में काम का एंड। विनायक पढ़ो और इसको वो पढ़ो, अनुज सप्तक यार मार्कर लेकर आओ, शानदार मार्कर लेकर आओ, जो ब्लैक लिखे सारे, तो मार्कर आउट ऑफ ऑर्डर है, पढ़ो विनायक, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रामर पावर क्लियर, ग्रामर पावर में किसको उठाया, बाय द नेक्स्ट ईयर को, बाय द मतलब कीवर्ड को पकड़ लो, कीवर्ड को पकड़ना है। आप अपने घर पे जाते हो, किसी और के घर पे क्यों नहीं जाते, आपको पता ही मेरा ही घर है, और किसी घर में एंट्री क्यों नहीं मारते, क्योंकि पता है ये पराया है, तो दैट इज बाय द नेक्स्ट ईयर। आगे चलिए, ए ब्यूटिलेटेड कॉप्स रीसरेक्टेड नियर द बैंक ऑफ ए डिंगी रिवर टू डू फर्दर प्रॉप, बहुत अच्छा सेंटेंस। पहले बोलते हैं भाई साहब ब्यूटिलेटेड किसको कहते हैं, तो हमने कहा था टुकड़े टुकड़े लाश को। नॉलेज जितनी बार आपके दिमाग से घूमेगी ना, आपके ब्लड का पार्ट बनाना है मुझे, मुझे कॉपी लेस सिस्टम बनाना है। ब्यूटिलेटेड किसको कहते हैं, ब्यूटिलेटेड कॉप्स का मतलब टुकड़े टुकड़े, जो काफी आपके क्राइम सीन में हुआ है, दिल्ली का जो तंदूर कांड था उसमें टुकड़े टुकड़े, ये था टुकड़े टुकड़े लाश, उसने अपनी वाइफ को मार दिया, फिर उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर तंदूर में डाला, फिर एक कॉन्स्टेबल ने लपट देखी, वो गया तो उसे वहां पर लाश के टुकड़े टुकड़े मिले, तंदूर में वो उसको इंसिनरेट करने की कोशिश कर रहा था,
फिर उसको आजीवन कारावास हुई और अब जाके वो एक्विट हुआ है थोड़ी दो पहले। म्यूटिलेटेड कॉप्स, टुकड़े टुकड़े लाश, ऐसी क्राइम स्टोरी पढ़ा करो आप, लोगों में भी मदद मिलेगी। एविडेंस कहाँ है, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन चल रहा है, आईपीसी का कौन सा सेक्शन चल रहा है, ऐसी क्राइम स्टोरी आप कोई ना कोई पढ़ा करो। सीबीआई ने चार्जशीट फेल की, तो इससे क्या आप उस सिनेरियो में आ जाओगे जहां पर आपको जाना है, वो सिनेरियो आ जाएंगे, क्योंकि सबके पास क्या लिमिटेड टाइम होता है। थोड़ा सा फट आप खुद भी क्या करो, सारे सब सेक्शन समझा दिए सारे लोग के, अब उसकी क्राइम स्टोरी क्या कहती है वो आप सर्च कर सकते हैं। रीसरेक्ट, आपको कल ही बातचीत हुई थी सर, जमीन खोद कर निकालना, रीसरेक्ट कहा था जमीन खोद कर निकालना, जमीन खोद कर निकालना। आलू हो सकता है, पटेटो सॉरी अपना अनियन हो सकता है, गार्लिक हो सकता है, सबके सब रीसरेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, किनारा, किनारा बैंक कहलाता है, बी ए एन के, बैंक का मतलब नदी का किनारा, तालाब का किनारा, बैंक। बैंक कौन आप कर ही चुके हो, किसी पे भरोसा करना। फिर चले हम डिंगी रिवर, भाई तू क्या चाहती है डिंगी रिवर, ये कहती है गंदी नदी, कभी छिछली करेंगे कभी झिलमिलाती करेंगे, हमारी मर्जी है कुछ भी करेंगे, भाई ऑक्सफोर्ड हमारे पास है, हम उसको नचाएंगे। डिंगी रिवर गंदी नदी है, बहुत ही गंदा पानी है, जैसे अपना ये बना रखी है ना, कौन सी ये नाला सा बना रखा है, हाँ ये जो बना रखी नाम तो उसका द्रव्यवती नदी, लेकिन क्या है डिंगी रिवर ही है, गंदी नदी, नाला सा है लेकिन नाम उसका द्रव्यवती है। फर्दर आप कर चुके हैं, ये हमारे ग्रामर में भी काम आएगा। क्वेश्चन को निचोड़ दो गड्ढे की तरह, जैसे गड्ढे वाला करता है ना, बस क्वेश्चन को निचोड़ दो। फर्दर प्रॉब आगे की जांच, फर्दर हमारे ग्रामर में काम आएगा, आगे की जांच। ये गड्ढे की तरह हमने मशीन में दे देकर सारी नॉलेज को निचोड़ लिया। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे, इट्स माय रिटर्न चैलेंज, लेकिन मेहनत वो करनी पड़ेगी जो मैं चाहूंगा, मार्क्स वो मिलेंगे जो आप चाहेंगे। अब मेहनत से अवॉइड करके कोई सोचे कि सर मार्क्स दिला दो, तो ऐसा मिरेकल तो मेरे पास तो नहीं है, किसी और के पास हो तो अलग मैटर है। तो देखिए म्यूटिलेटेड कॉर्प्स, टुकड़े टुकड़े लाश, रीसरेक्ट जमीन खोद कर निकालना, बैंक नदी का या तालाब का किनारा, डिंगी रिवर गंदी नदी, फर्दर प्रोब आगे की जांच। आइए भाई क्वेश्चन तू चाहता क्या है हमसे देख लेते हैं, हम चाहने की कोई वजह तो होगी। तो एक टुकड़े टुकड़े लाश को आगे की जांच करने के लिए गंदी नदी के किनारे से जमीन खोद कर निकाला जा चुका है, तो ये बात तो तय है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि निकालने वाले का पता नहीं है यहाँ पर। तो ए आंसर गलत, सी आंसर गलत, डी आंसर गलत, बी आंसर सही, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आर्ट सीख लो, ये खतरनाक आर्ट सीख लो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, क्यों जाएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि जमीन खोदकर कौन निकाला है, किसने निकाला है, मुझे पता नहीं है। तो वुड हैव एक्टिव है, शुड हैव एक्टिव है, विल हैव एक्टिव है, तीन तो इसी ग्रामर के आधार पे चले गए, तो चला गया तो चला गया, तो पैसिव क्या है, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव ऐसे है, देखो पूरा पढ़ो, कि एक टुकड़े टुकड़े लाश को, अब टुकड़े टुकड़े लाश तो कोई वर्क नहीं करेगी ना, उसमें तो वर्क होगा, लाश क्या वर्क करेगी, इसलिए इसको पैसिव में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस से सब समझ में आ जाएगा, बस आप तो लगे रहो। आंसर बी आया, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं रिपीट कर देता हूं, ए म्यूटिलेटेड कॉर्प्स विल हैव बीन रीसरेक्टेड नियर बैंक ऑफ डिंगी रिवर टू डू फर्दर प्रॉब। रमेश बोलो सेंटेंस को, वो मैं सब धीरे धीरे सारी आर्ट बता दूंगा कि यहां पर क्यों आया, क्योंकि लाश तो काम करेगी नहीं, अब इस पर तो काम होगा ना, इसलिए पैसिव वॉइस। हाँ रमेश बोलो, विल हैव बीन रीसरेक्टेड नियर बैंक ऑफ डिंगी रिवर टू डू फर्दर प्रॉब। ये बोलने से क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने की आदत सी पड़ जाएगी, क्या आएगा टू आएगा, ऑटोमेटिक दिमाग ही कह देगा कुछ नहीं करना, इसे आदत डाल लो, एक्चुअली बैठा जाओ इस चीज की। आइए सिमिलर का गेम खेलते हैं,
वर्ड आया आपके पास जाइब, बोले भैया एप्लीकेशन के बिना मैं नहीं जाऊंगा, जाइब जी आई बी ई, वर्ड आया आपके पास मिलने के लिए जाइब। किसी ने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, आप उसको जाइब करोगे। कोई बदसूरत है, आप उसको जाइब करोगे। किसी के फटे कपड़े हैं, आपने पार्टी दी। हाँ, एर्थ वाला रह गया, एर्थ वाला कौन सा, एर्थ वाला कौन सा है, मेरे में कैसे करते ये फिर, एर्थ वाला क्या है, Since I am much fatigued, I cannot accompany you for hiking. Yes, यहाँ पर since के साथ zero conjunction आएगा, since के साथ zero conjunction का प्रयोग होगा। कल भी बताया था मैंने, यदि वाक्य में since आ जाए, as आ जाए या because से शुरू हो, ये अपन पढ़ेंगे, because से शुरू हो तो ऐसे वाक्य में कभी भी इसलिए वाला वर्ड अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा। जीरो कंजक्शन बनना है, फिर रिपीट कर लीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत सिंस एज और बिकॉज से हो जाए और उस वाक्य में इसलिए को दिखाने वाला कोई भी वर्ड नहीं आएगा, जीरो कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं गरीब हूं इसलिए मैं फीस जमा नहीं करा सकता, क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जो है गरीब हूं इसलिए महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगा, कुछ भी खरीदो आप, लेकिन सिंस एज और बिकॉज से यदि आपका वाक्य शुरू हो जाए तो उसमें क्या आएगा, जीरो कंजक्शन का प्रयोग होगा। मतलब पूरी ग्रामर एक घंटे में रोटेट करवा दूंगा मैं बिफोर एग्जाम, ओनली एन आवर, लेकिन शर्त यह कि आप डेली क्लास अटेंड करोगे, फिर एक घंटे में पूरी ग्रामर को आपके माइंड में फीड करवा दूंगा, कॉपी की हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या छह दिन पहले आप अंग्रेजी को छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना आप लो पढ़ना, आप जो है अपनी हिंदी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, इंग्लिश को तो छह दिन पहले भी छोड़ दिया ना, कोई असर नहीं आएगा। तो किसी ने रैक्स और कोई के फटे कपड़े पहन रखे हैं, आपने उसको जाइब कर दिया, फटे हुए कपड़े रे यार थे तो पार्टी में आ गया, अच्छे कपड़े नहीं थे क्या, अच्छी साड़ी नहीं थी क्या, मेरे पास कोई गले में पहनने जैसा नहीं था क्या, आपने उसको जाइब कर दिया। किसी की बदसूरती की किसी ने मजाक उड़ा दी, या और भी कुछ उसमें ड्रॉबैक्स है उसकी मजाक उड़ा दी, तो जाइब का मतलब होगा किसी पर व्यंग करना, किसी पर कटाक्ष करना, किसी पर ताना मारना, ये जाइब कहता है। अभी कहता है मुझे मेरा सिमिलर ढूंढ के दो, मेरी प्रजाति का वर्ड ढूंढ के दो, तो आपने खट से आंसर दे दिया जीर, जे डब्ल्यू आर। वर्ड की एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगी ना, वो वर्ड दिमाग में, वो नॉलेज दिमाग में क्लियर नहीं होती है। एप्लीकेशन आती खट से, मजा आता है। अब कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है, अरे यार तू तो ऐसे है, कोई भी मजाक, कोई भी व्यंग, कोई भी कटाक्ष, कोई भी ताना, वो जाइब पे जाएगा, जाइब ने अपना वर्ड होना, जीर आएगा, टॉट आपके पास ऑलरेडी है ही, रहने दो उसको। फिर वर्ड आया प्लाइट, प्लाइट पी एल आई जी एस टी, चलो कच्ची बस्ती में, चलो गरीबों के पास, वर्ड अपने पास शैंटी टाउन, शैंटी टाउन का मतलब है कच्ची बस्ती। चलो बाल मजदूरों के पास, बाल मजदूर के पास चलो, वहां पर अपन को प्लाइट समझा देगा, कच्ची बस्ती में जो रहता है, जो बाल मजदूर है, उसकी दुर्दशा बहुत खतरनाक है, दुर्दशा है उसकी, बेचारे की दयनीय स्थिति है बहुत ही, जिसे कहते हैं कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अस्पताल में जाओ अपने SMS में, लाइफ दुर्दशा है रोगियों की, डॉक्टर देखे तो देखे, नहीं देखे तो नहीं देखे, फोन आ गया तो देख लेंगे, लुक आफ्टर कर लेंगे, नहीं आया तो पड़ा रहे जानवरों की तरह। तो ऐसे में इसमें पेशेंट की जो स्थिति है वो प्लाइट है, कच्ची बस्ती में गरीब है वो प्लाइट है, आपके जो बाल मजदूर हैं वो प्लाइट कंडीशन में है। तो इसने कहा भाई एप्लीकेशन दे दी तूने, अर्थ दे दिया तूने, अब मेरा सिमिलर ढूंढ के दे दो, दे दिया पिटिएबल, इसका आंसर ले गया ये पिटिएबल। प्लाइट का जो सिमिलर वर्ड आया वो पिटिएबल आया, बहुत अच्छे से आराम से, सी इज द राइट आंसर। समय लगेगा लेकिन हमें खरगोश को कछुए की चाल से नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। ब्रॉल BRAWL, BRAWL, दो लोग जा रहे थे, बाइक ए बाइक बी से टकरा गई, बाइक ए वाला बाइक बी से टकरा गया, गलती बी वाले की थी, बाइक ए वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब गलती किसी की भी हो
दोनों में ब्रॉल चालू हो गया, कहा सुनी चालू हो गई, कहा सुनी चालू हो गई जैसा होता है, कहा सुनी ब्रॉल का मतलब है कहा सुनी ब्रॉल चालू हो गया। माइक ने कहा मेरी गलती नहीं है, माइक बी वाले ने कहा मेरी गलती नहीं है, सास ने कहा मेरी गलती नहीं है बिल्ली दूध पी गई, तो बहू ने कहा मेरी गलती नहीं है, लेकिन कहा सुनी तो चालू हुई, सुबह पहले जो है सत्यनारायण भगवान की कथा चालू, ठीक है ब्रॉल हो गया। सिमिलर वर्ड पर आइए, सिमिलर वर्ड कहता है भैया क्विंबल, क्विंबल भी कहा सुनी करना, ब्रॉल भी कहा सुनी करना। मतलब जिस नॉलेज में आपको इंटरेस्ट आने लग जाए तो समझिए आप सफलता के डायरेक्शन में अपना पहला कदम रख चुके हैं। हाँ मजा ही नहीं आ रहा है, बहुत समझ के पढ़ रहे हैं, बर्डन समझ के पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना या उस टीचर से पढ़ना मैं तो बेकार मानता हूँ। मजा आ रहा है, क्लास में बंध गए आप, क्या काम आएगा वो तो वक्त बताएगा। बाइक ए वाला बाइक बी से टकरा गया तो कहा सुनी शुरू हो गई, इसने कहा, जैसा आप देखते हैं हमारे घरों में भी, हमारी लोकेलिटी में भी और रोड पर भी, ब्रॉल इज ए कॉमन वर्ड, किसी न किसी बात पे होती है, दैट इज द क्विबल। तुमने यहाँ कचरा फैला दिया, तुमने कचरे का ढेर लगा दिया, फालतू लोगों के दिमाग का काम है, अच्छे लोगों का काम तो एनर्जी बचाना है, एनर्जी को सेव करना है, वेस्टेज करना नहीं है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप अपोजिट पर आइए कॉपियस, फिर अपोजिट पर आइए कॉपियस, कॉपियस कहता है अनिल अंबानी, अनिल अंबानी के पास कॉपियस ओपुलेंस है, सबको पता है 72 करोड़ रुपए वो एक डांसर को दे सकता है, तो नेचुरल है उसकी ओपुलेंस कॉपियस है। सॉरी मुकेश अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सॉरी, मुकेश अंबानी के पास जो है कॉपियस ओपुलेंस है, ये बात सबको पता है। जैसे अपने बेटे की शादी में इतना खर्चा किया, आपका बर्न द कैंडल विद बोथ साइड किया, लेकिन उसी का भाई है अनिल अंबानी, उसके पास इतनी दौलत नहीं है, उसके पास बहुत कम दौलत है, स्कैंटी उसके रेशियो में, स्कैंटी का मतलब बहुत कम। आपके गांव में जो पानी है, पूछते हैं पानी कैसा है, बोले वो असर कॉपियस है, खूब पानी है। नहीं नहीं यार, हमारे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर संभव ही नहीं है क्योंकि पानी स्कैंटी है। आपके गांव में पानी कॉपियस है, मेरे गांव में पानी स्कैंटी है। आपके गांव में पढ़े लिखे लोग कॉपियस है, मेरे गांव में पढ़े लिखे लोग स्कैंटी है। आपके गांव में पेड़ पौधे कॉपियस है, मेरे गांव में जो पेड़ पौधे स्कैंटी है, सीधी सी बात है। कॉपियस गया ओपुलेंस के पास, एप्लीकेशन लाया और वर्ड का अपोजिट करवा गया स्कैंटी। पेपर को सोल्व करने का एक तरीका होता है, एक बहुत शानदार तरीका होता है, सिंपल टर्न। फिर वर्ड आया सिंपल टर्न, सिंपलटन। क्या किया सिंपलटन वाले ने, सिंपलटन वाला जो होगा टमेटोज को रखेगा नीचे, टमेटोज को रखेगा नीचे और पटेटोज को रखेगा ऊपर, ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई। 1 किलो टमाटर लिए और 3 किलो आलू के ऊपर रख दिए, बहुत पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है, जो बुक स्टोर ले तो बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन व्यवहारिक ज्ञान प्रतिवर नहीं होता। क्या बताया था व्यवहारिक ज्ञान के लिए, और सेंस ये नहीं होता है। टमेटोज रख दिए नीचे 1 किलो, क्या फर्क पड़ेगा, सब्जी तो है, अरे काकी जी पिचक जाएंगे। तो सिंपल सिंपलटन का मतलब आ गया मूर्ख, सिंपलटन ने कहा मूर्ख दे दिया, एप्लीकेशन डाल दी, लाओ मेरा वर्ड लाओ, ले भाई तेरा अपोजिट ले। प्रूडेंट इज द राइट आंसर, बुद्धिमान। हमारे पूर्वज हमारी तुलना में हजारों टाइम्स प्रूडेंट हुआ करते थे, हम उनकी तुलना में सिंपलटन ही है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। बुकिश नॉलेज लेना अलग चीज है और वो लेना अलग चीज है। जैसे एक जज साहब थे, नए नए मजिस्ट्रेट बने, हेड जज ने कहा जो ट्रेनिंग के दौरान, बोले इसको क्रॉस कर दो, उसने पेन लिया और क्रॉस कर दिया चीफ को, ये है क्या बोले से ज्यादा, पेन लिया उसके पूरी जो चीफ हुई उसको क्रॉस कर दिया, ये प्रत्यक्ष की बात है, देखी हुई बात है, ज्यादा इसमें दी जाएंगे तो देखिए आप। फिर आता है फ्रेजेज एज डेफ्ट एज ए ब्रश, आपकी फ्रेज आती है एज डेफ्ट एज ब्रश। डेफ्ट का मतलब ही मूर्ख होता है, इसको भी इसी से जोड़ देना, डेफ्ट का मतलब ही मूर्ख होता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी हुई, एक आदमी था वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, तो एज डेफ्ट एज ए ब्रश, ब्रश भी इधर उधर जाती है, कॉमन सेंस उसमें होता नहीं है, कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, तो एज डेफ्ट एज ए ब्रश का मतलब भी मूर्ख, एकदम एक्सट्रीमली सिली पर्सन कहलाएगा एज डेफ्ट एज ए ब्रश।
जिसमें कॉमन सेंस नाम मात्र का नहीं हो, एज डफ्ट एज ए ब्रश, कॉमन सेंस रत्ती भर का नहीं हो, कि हॉर्स सेंस क्या है, बुकिश आज के लोगों में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं होता कि केले भी कैसे खरीदे जाते हैं, सब्जी का भाव क्या है, दिस इज कॉमन सेंस। केले खरीदने नहीं आता, आईआईटी इंजीनियर बन जाते हैं और केले परचेज करना नहीं आता कि किस तरह के केले लिया, दे दे भैया, वो दे देता है सड़े हुए से रोटन और वो ले आते हैं, दैट इज कॉमन सेंस। और मे के लॉन्ग आर्म, बहुत अच्छे से आर्म हमारा ये हो गया, आइए मे के लॉन्ग आर्म, मेक ए लॉन्ग आर्म। आप रोज इस फ्रेज से गुजरते हो डेली, क्योंकि 3 बजे आप फ्री होते हो, अब आप कुछ लेके नहीं आए या खाना नहीं खाया, तो घर पे जाते ही जो आप करोगे, मेक ए लॉन्ग आर्म, खाने पर टूट पड़ना, खाने पर टूटना। महिला ने करवा चौथ का व्रत कर लिया, चांद को डूबे हो, गुस्सा आ रहा है, कद उगलो चांद, कद उगलो चांद, आ तो गयो ही कौन है, तो खाली कौन बना कर रहा है वो कहलाता है मेक ए लॉन्ग आर्म, खाने पर टूटना। और जनरली कई बार हम शादियों में जाते हैं तो ये फ्रेज होती है, अगला लेट खाना शुरू करता है और क्राउड ज्यादा होती है तो ये फ्रेज ऑटोमेटिक लागू हो जाती है, मेक ए लॉन्ग आर्म। व्रत कर लिया, शाम तक थोड़ा लेट खाना बना, मेक ए लॉन्ग आर्म। शादी में गए, देर से खाना शुरू हुआ, मेक ए लॉन्ग आर्म। खाने पर टूटना, या जिसे कहते हैं कि एक भूखे की तरह खाना खाना, जैसे भूख बहुत तेज लग रही है, जैसा किसी फिल्मों में दिखाता है, वो एक फिल्म नहीं थी नाना पाटेकर की, वो रोटियां रख लेता है परात में और ऊपर रखता है सब्जी, बोले खाना ये खाने दे, बाद में मारूंगा, पहले ये तो खाने दे, वो पूरी परात रख लेता है ढेर सा बनाकर, उसे कहते हैं मेके लॉन्ग आर्म, खाने पर टूटना। आंसर नंबर सीधा जाएगा ए के पास, गजल फॉर मील, ए इज द राइट आंसर। गजल का मतलब भूखे की तरह रहना। क्लियर आज का पेपर, मजा आया, लेवल बढ़ा, 14 का एज डेफ्ट एज ए ब्रेड, डेफ्ट का मतलब होता है मूर्ख इंसान, स्टूपिड पर्सन, बी इज द राइट आंसर, एक्सट्रीमली स्टूपिड पर्सन। पेपर को जितना इम्बाइब करोगे अलग अलग टेक्निक से, उतना ही फायदा है। सिलेबस तो बहुत छोटा पार्ट है, सिलेबस कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, सिलेबस तो जिसे कहते हैं बहुत छोटा पार्ट है, सिलेबस इज नॉट बिग टास्क। खेल खेलना है पेपर से, कि हम भी तेरे साथ आंख मिचोले का खेल खेलते हैं, तूने हमारे साथ खेला, हम तेरे साथ खेलते हैं। आइए इफ की तीसरी और आखिरी कंडीशन डिस्कस करते हैं, मैं फिर तीनों के ग्राफ समझा देता हूँ आपको। ये 3 कंडीशन को दिमाग में प्रिंट कर लेना, इनको एक घर में रोकना है अपन को, एक घर में डालना है अपन को, क्योंकि बहुत शानदार रोल निभाती है ये ग्रामर में। इफ की आज जो कंडीशन है ना, वो कहलाती है पॉसिबल कंडीशन। इफ की जो कंडीशन है ये वाली कहलाती है पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल का मतलब है संभव शर्त है, ये बोलने के बाद संभव शर्त है। मैंने आपसे कहा यदि आप जहर खाओगे तो मर जाओगे, पॉसिबल है ना। यदि आप मेहनत करोगे तो आप प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, पॉसिबल है। यदि आप तेज गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉसिबल है, संभव है बोलने के बाद। लेकिन ये कहती क्या है, इसकी ग्रामर पावर क्या है, वो देखिए आप। आज इनकी तीनों कंडीशन का मैं आपको ग्राफ समझा देता हूं। हम 30 पॉइंट को क्रॉस करने जा रहे हैं, 12 आपके टेंस, 8 आपकी पैसिव और 3 आपके रूल्स, 23 पॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं हम बहुत शानदार तरीके से। और इफ की ये कंडीशन क्या कहती है वो देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, याद रखना है इफ के बाद विल नहीं आएगा, या तो V1 आएगा या V5 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, कंजक्शन नहीं आएगा, सब्जेक्ट यहां विल आएगा, दूसरे पार्ट में विल आएगा, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या शानदार शर्त है, क्या भी अच्छे अच्छे कलाकार विल लगाते हैं, अच्छे अच्छे महान वो विल लगाते हैं कि साहब आप बोलोगे ना, आप घेर खाओगे तो खाओगे में तो विल ही आना चाहिए ना, नहीं भैया इफ लगा रखा है, इसने कहानी को यूटर दे रखा है, हमारी कोई दादागिरी थोड़ी। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो टेंस मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बार बार घूमेगा, अब आपके टेंस कितने सॉलिड हैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और रिजल्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। ये देखो दोबारा टेंस काम में आ गए। मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रामर का वो कौन सी कंडीशन आती है जहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर
एक साथ काम में आते हैं तो आप ऐसा आंसर दोगे। मैं वर्बल क्लास में उल्टे क्वेश्चन पूछूंगा, कभी सीधा नहीं पूछूंगा आपसे, उल्टे ऐसे घुमाई कहानी के रूप में, ऐसे डायरेक्टली इफ की पॉसिबल कंडीशन बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो रूल बताइए ग्रामर का जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट एक साथ आते हैं। क्वेश्चन उल्टा चला गया ना, आप कहोगे सर इफ की पॉसिबल कंडीशन है, पहले में प्रेजेंट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। और इसका ग्रामर पावर क्या है, इसका ग्रामर पावर क्या है, इसकी ग्रामर पावर है दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा। दोनों, बार बार रिपीट करना है, दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा, दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा। पहला पॉइंट, बोलेंगे फ्यूचर लिखेंगे प्रेजेंट, ये भी लिखना है। इफ के इफ वाले वाक्य में, इफ वाले वाक्य में बोलेंगे फ्यूचर लिखेंगे प्रेजेंट, इस लाइन को भी याद रखना। सर बोला फ्यूचर है, फ्यूचर ही लिखो ना। नहीं भैया, हाँ विनायक, जीपी यानी ग्रामेटिकल पावर, ये जीपी बार बार यूज करूंगा, इसकी ग्रामर पावर क्या, बोलेंगे भी ऐसे ही, दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा। इफ वाले वाक्य में बोलेंगे फ्यूचर, बोलेंगे फ्यूचर लिखेंगे प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट कर देना आप, उलझ जाती कहानी, लिखेंगे प्रेजेंट, दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा। और याद रखना है इफ के बाद या किसी भी कंजक्शन के बाद, इफ के बाद कभी विल नहीं आएगा, इफ के बाद कभी भी विल नहीं आएगा। कंसेप्ट फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होते कुछ नहीं कर सकते। और जुडिशरी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में गाइड करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि गाइडेंस सोचते हैं करवा दो 30 दिन में, करवा दो 20 दिन में, अरे कोई तीसरी करनी है क्या, पेपर ही क्लियर नहीं होगा तो कोई कोई ड्रामा करना है वो तो 2 घंटे में करवा दो। सॉरी, दूसरे वाक्य में, दोनों वाक्य, एब्सोल्युटली राइट, दोनों वाक्यों में, दोनों वाक्यों में बिल नहीं आएगा, मतलब एक में बिल आएगा ये कहना चाहता हूं मैं, दोनों वाक्यों में बिल नहीं आएगा। इफ वाले वाक्य को बोले इफ के बाद बिल नहीं आएगा, इसको इससे कनेक्ट कर देना, दोनों वाक्यों में बिल नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब है इफ का ये वाले वाक्यों में, मतलब दोनों जगह बिल नहीं आएगा, एक में बिल आएगा, ये और कर लो या इसको थोड़ा सा एलिबरेट कर लो, एक वाक्य में या बाद वाले में, एक वाक्य में बिल आएगा और जिसमें इफ नहीं होगा। दोनों वाक्यों में बिल नहीं आएगा, एक वाक्य में विल आएगा, इफ वाले वाक्य को बोलेंगे फ्यूचर लिखेंगे प्रेजेंट, इफ के बाद वाले वाक्य में, बाद वाला कर लेना, बाद वाले वाक्य के बाद कभी भी विल नहीं आएगा। अभी इसका मैं एक शानदार ग्राफ बना देता हूं तीनों कंडीशंस का, तीनों को फीड कर देता हूं, जो प्रेजेंट थे वो भी, जो एब्सेंट थे वो भी, आज तीन क्विज आपके पास जा रही है एक साथ, लेकिन पहले एक आधा बहुत बढ़िया सा वो डिस्कशन कर लें ताकि हमारा दिमाग क्लियर हो जाए। आइए, आपको इंटरव्यू में लिए चलता हूं, इंटरव्यू प्रेजेंट करो, क्लियर बेटा, तू इरेज कर दूं, आइए देखिए क्या कह रहा है पहला सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस, बहुत कुछ सिखाकर जा रहा है। यदि वह ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स रटेगा, रटेगा फ्यूचर आ गया साहब, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि यदि लगा रखा है। यदि वह ज्ञान की कमी के कारण अपने टॉपिक्स रटेगा कि साहब मैं तो रट के चले जाऊं सीआरपीसी का फलाना फलाना ऐसे रटू रटू, तो क्या करेगा, और रिजल्ट पार्ट पर आइए, तो वह अपने संभावित साक्षात्कार को बिगाड़ लेगा, रट कर जाएगा ना, तो वह संभावित जो आने वाला है, जो आपका भी होगा, पहले संभावित प्री, फिर संभावित मेंस, फिर संभावित इंटरव्यू, वह संभावित साक्षात्कार को बिगाड़ लेगा या बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा कुछ भी लिख लो हिंदी में चलेगा। दिमाग में लाइए ग्रामर कहां से गुजरेगी, वॉकैब कहां से गुजरेगी,
यदि लगा के सारी कहानी चेंज कर दी मैंने, यदि कहता है भैया यू टर्न ले रही है ग्रामर, आप जो सोच रहे हो वो नहीं आएगा। यदि वह ज्ञान की कमी के कारण महत्वपूर्ण उसको टॉपिक्स को रटेगा तो वह संभावित साक्षात्कार को बिगाड़ लेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स, टॉपिक्स कर लो सब्जेक्ट कर लो जो भी है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रटेगा तो वह संभावित साक्षात्कार को बिगाड़ेगा, बिगाड़ लेगा। आइए ग्रामर कहती है इफ की पॉसिबल कंडीशन की तरफ मूव करिए, करवा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए बहुत अच्छे से। इफ ही रटो साहब, रटने के लिए क्या करें, कोई वर्ड ही नहीं है, अभी रटवा देता हूं मैं। इफ ही आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही के साथ वी फाइव आएगा कि वी वन, वी फाइव एब्सोल्युटली राइट। इफ ही क्रैम्स, क्रैम यानी रटना, क्रैमर कहते हैं रट्टू तोते को। इफ ही क्रैम्स सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट आपको आता है, जो आपको आता है वो आपके पास रखिए। सिग्निफिकेंट टॉपिक्स क्यों भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो रटेगा, ये कमी है उसके पास। ज्ञान की कमी के कारण ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी है भाई के पास, वजह पर आओ सेंटेंस को जानबूझ के बताता हूं ताकि रिटर्न बढ़े। लैक ऑफ नॉलेज तो क्या होगा, कंजक्शन लगाना नहीं है, तो के लिए देन या कोई भी कंजक्शन नहीं लगाना है। वह संभावित साक्षात्कार को बिगाड़ेगा, भैया फ्यूचर को आएगा, आ गया। He will watch, watch यानी बिगाड़ना, करियर, साक्षात्कार, परीक्षा, स्पॉइल नहीं आएगा, आप सोचे स्पॉइल से काम चल जाएगा, स्पॉइल वर्ड सेट ही नहीं होता है। He will watch impending interview, impending interview, impending का मतलब जो आने वाला है, इलेक्शन हो सकता है, हमारी राज सत्ता हो सकती है, नई गवर्नमेंट हो सकती है, वो सारी की सारी इम्पेंडिंग है। सबसे पहले तो रटना, रटने की सारी कहानी खत्म कर देता हूँ आप। एक फिजिक्स में सर्किट होता है LCR, LCR को मत रटना, बस इतना से याद रखना है आपको। LCR फिजिक्स में एक सर्किट होता है, जब आपने कोई फिजिक्स से कनेक्टेड हो तो बनाते हैं सर्किट, LCR सर्किट बोलते हैं उसको, आज इंग्लिश में काम में ले रहे हैं हम। LCR का मतलब लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करना यानी रटना। दूसरा क्रैम, CRAM। तीसरा रोट, ROTE। और चौथी भी फ्रेजल वर्ब है मगअप। ये लो मैंने आपको एक सेकंड में इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, फ्रेजल वर्ब में आ सकती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, फेस सेक्शन को कवर कर सकती है, और याद रखने का तरीका है LCR को मत रटना। और हमने कहा बिगाड़, सॉरी, रन बाय हार्ट आ गया, लैक ऑफ नॉलेज आ गया, क्रैम आ गया, बिगाड़ने के लिए बॉच आ गया, संभावित जो आएगा ये था ISI का संभावित आक्रमण, जो निकट भविष्य में घटित होगा वो कहलाता है संभावित। I4 इम्पेंडिंग, जैसे चुनाव है यूपी में, हमारी आने वाली गवर्नमेंट है, आपके दो एग्जाम हैं, सब आने वाले हैं, किसी की शादी हो सकती है, सबसिक्वेंट और इमिनेंट, तीन बार ये भी शानदार हैं। यदि रियल में आपको अपने आने वाले एग्जाम को क्रैक करना है तो फ्रेंड्स मेरा एक फ्रेंडली सजेशन है, ये मेहनत कर जाओ आप। एक बार मरना है जीवन में, ढंग से मरो ताकि पूरा जीवन एक अच्छा गुजारें। थोड़ी थोड़ी मेहनत मत करो, करो तो ऐसी करो कि दुनिया में चमत्कार हो। वो सतही मेहनत करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बेकार है वो मेहनत करने से कोई, मेहनत करो ऐसी कि इतिहास लिख जाओ। आपने फॉर्मूला बनाया LCR को मत रटना, लर्न बाय हार्ट प्लस क्रैम प्लस रोट और मगअप। याद रखने का तरीका LCR को मत रटना, ISI का संभावित आक्रमण, ISI का संभावित वार, impending, subsequent और imminent, निकट भविष्य में होने वाला, निकट भविष्य में घटित होने वाला कोई भी युद्ध हो सकता है, आपकी परीक्षा हो सकती है, हमारी आने वाली गवर्नमेंट हो सकती है, इलेक्शन हो सकते हैं, पाकिस्तान का संभावित आक्रमण हो सकता है हमारे ऊपर, हमारा संभावित आक्रमण हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर,
तो ऐसा इम्पेंडिंग कहलाएगा। वापस रूल की तरफ आइए, ये रूल आपसे क्या उम्मीद करता है कि इफ के बाद वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे और उसके जो सेकंड सेंटेंस आएगा वो आपका फ्यूचर से कवर होता हुआ आएगा। क्लियर कहानी, ग्राफ समझा दूं इफ का। इफ की तीनों कंडीशन का ग्राफ अभी फीड कर देता हूं मैं आपको, 12 आपके टेंस टिप्स पर, 8 आपकी पैसिव टिप्स पर, और इफ की ये तीनों कंडीशन में भेद कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा हमारा हैंडल विथ किड ग्लव्स यानी सूझबूझ के साथ हमें रोटेशन में लेना, और कोई मुश्किल नहीं है। इफ की तीन कंडीशन ग्रामर की क्वीन्स कहलाती हैं। ये इफ की तीन कंडीशन है। यदि इफ से आपका वाक्य शुरू हो तो आपको यहीं पर आना है और कहीं नहीं जाना है। इफ की तीन कंडीशन, इससे यदि हमारा वाक्य शुरू हो तो हमें यहीं आना है और कहीं नहीं जाना है। पहली कंडीशन कहती है मेरा नाम है इम्प्रोबेबल, इंग्लिश में मेरा नाम है इम्प्रोबेबल, या मेरा नाम है इम्पॉसिबल। ये मेरे नाम है, नाम का तो पता हो तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। तो हिंदी में मैडम आपको क्या कहते हैं, हिंदी में आपको कहते हैं काल्पनिक शर्त या असंभव शर्त। पूरा डिटेल, सतही तौर पर नहीं, कोई पूछे तो अगला घायल होके गिर जाए। तो हिंदी में जो पहली कंडीशन का नाम है वो है इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। अब मैडम आपका ग्रामेटिकल पावर क्या है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, बोले लिखो। यदि आप एक, यहां तक दिख रहा है ना, यदि मेरे पास होता, मेरे पास होता, बड़े अच्छे से प्रिंट, मेरे पास होता तो आप पार्ट ए पर जाएंगे, और यदि मैं होता, मैं कहता यदि मैं होता तो पार्ट बी से कवर करेंगे, यदि मेरे पास होता तो पार्ट ए से कवर करेंगे, मैं होता तो पार्ट बी से कवर करेंगे। बोले कैसे मैडम, बोले ऐसे इफ आ गया, इफ तो आना ही है क्योंकि कंडीशन इफ की चल रही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, पहले पार्ट में वर्ब नहीं आएगी क्योंकि वर्ब की जरूरत ही नहीं है, और आगे सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट आ गया प्लस वुड आ गया या कुड आ गया। बोले दोनों में कोई अंतर सर, कोई अंतर नहीं है, जो भी आपको याद आए या जो रिक्वायरमेंट हो वो आप पूरी करेंगे। कब मेरे पास होता, पहले लिख लो मैं, फिर तीनों को एक साथ ही रोटेट करूंगा, और मैं होता तुम होते वह होता, तो बोले क्या फर्क आएगा सर, ये फर्क आएगा पहले पार्ट में फर्क आएगा, दूसरे पार्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, लो कोई वाज कर देता है, कोई एम कर देता है, सेकंड पार्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेकंड पार्ट जो उसका था वही इसका था। ये इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन से कवर हो रहा है। अब इसके उदाहरण करेंगे, बातचीत करेंगे हल्के हल्के सेंटेंसेस। पहली कंडीशन गई, दूसरी कंडीशन को बुलाओ, दूसरी कंडीशन आपसे क्या उम्मीद करती है, जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कहती है आपसे कि सबसे पहले तो मेरा नाम बताओ। नाम बता दिया, मैडम आपका नाम है इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन आपका नाम है। बोले हिंदी में क्या बोलोगे, अपूरित शर्त, जो होते होते रह गई, अपूरित शर्त है मेरा नाम। बोले आपका ग्रामेटिकल पावर बताओ, आपकी पावर क्या है। बोले मेरी पावर देखो, इफ आएगा एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा सबके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा सबके साथ, हेड सबके साथ आता ही है, आपने टेंस अच्छे से कर रखे हैं इससे आज ये कहानी बहुत अच्छे समझ में आ रही है। फिर रिजल्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव जहां आ जाए, अकेला भी और मॉडल के साथ भी, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं आता है। हैड यदि हैव कहीं आ जाए, हर मॉडल के साथ हैव ही आएगा, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, बी हैव, माइट हैव, सबके साथ हैव आएगा। कल से हमारा शुड चालू होगा, मॉडल्स ले रहे हैं हम, एब्सेंट मत करना प्लीज, नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मॉडल्स हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, लिखने में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, एपीओ में भी, आरजेस में भी, और बोलने में भी। तो मैडम ये तो आपका पार्ट ए हो गया। तो बोले यदि पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी आपसे कहता है यदि हेड को पहले रख दो तो वाक्य के अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ को हटा के हेड को पहले रख दो तो वाक्य के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिखने और दिखने पर फर्क पड़ेगा। क्या सेकंड पार्ट में परिवर्तन आएगा, बोले नहीं आएगा। क्या सेकंड पार्ट में कोई परिवर्तन आएगा, कोई चेंज होगा, बोले नहीं होगा।
नहीं होगा तो ना सही, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। वुड हैव कुड हैव वहां पर भी, वुड हैव कुड हैव यहाँ पर भी। तीसरी कंडीशन कहती है, तीसरी बहन क्या कहती है, बोले मेरा नाम, बोले तेरा नाम है, पॉसिबल कंडीशन, तेरा नाम है पॉसिबल कंडीशन, हिंदी में बोलेंगे तेरे को संभव शर्त, यानी बोलने के बाद तेरा पूरा होना लाजमी है। तेज गति से गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉसिबल है। इफ को तो बुलाना ही पड़ेगा, इफ को बुलाया, बुला लिया, सब्जेक्ट को बुलाया, बुला लिया, बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट, इफ के साथ बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट, लिखो प्रेजेंट को। टेंस आपका अच्छा हो रखा है ना, इसलिए सब करने में मजा आ रहा है, आपने टेंस में बहुत गजब क्लच कर रखा है। इम्प्रोबेबल अपूरित, अपूरित का मतलब जो पूरी ना हो सकी। यदि आप चाहते तो कल की क्लास अटेंड कर सकते थे ना, नहीं की, होते होते रह गए। यदि आप चाहते तो आप 1 मई को क्लास अटेंड कर सकते थे, आप लेट आए, 4 दिन नहीं आए, आने में देर लग गई, यानी होते होते रह गई। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 ऑब्जेक्ट, दूसरे में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे में फ्यूचर आएगा, पहले में प्रेजेंट आएगा। ये इसकी तीसरी बहन की शर्त है, ये क्वीन कहलाती है, इनको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। प्रेजेंट सिंपल इफ के साथ आएगा, चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। अगले संडे को हम 23 पॉइंट को रोटेट करेंगे वर्बली, 23 पॉइंट को रोटेट करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करके आना तो रोटेशन में मजा आए। बिल्कुल रोटेशन ट्रिस्पर करेंगे 23 पॉइंट का, फिर अगले, इसके अगले बाद जो पॉइंट होंगे उनका फिर एक बार रिवीजन। मैं ट्रिस्पर देना चाहता हूँ आपको, मैं क्रैमिंग सिस्टम में भरोसा ही नहीं रखता। क्रैमिंग करोगे तो और भी सब्जेक्ट है, कोई इंग्लिश ही थोड़ी है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने, इतना भारी भारी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उन पर ध्यान दो, उन पर एनर्जी लगाओ। पंकज सर के सब्जेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें। लिख लो बड़े प्यार से, ग्राफ बना लिया बड़े प्यार से, अब इसको दिमाग में ग्राफ बनवाना है, लिख लो आप। मैं इसको ग्राफ दिमाग में प्रिंट कर देता हूं। माना नॉलेज वही होता है जो आपके इशारों पर नाचे, उसे मैं नॉलेज कहता हूं। यदि आपकी कॉपी में दुनिया भर की नॉलेज लिखी हुई है, किस काम की, क्या मतलब का? नॉलेज वो जो आपके इशारों पर नाचे, दोस्त वो जो आपके सुख दुख में काम आए। ऐसे हजारों दोस्त हैं फेसबुक पर, 5,000 फ्रेंड है, 5,000 फ्रेंड आ जाएंगे क्या? दो आएंगे, दो, जिस दिन आईसीयू में भर्ती होगी ना बाहर, दो आ जाए बड़ी बात है, 4,998 फ्रेंड नहीं आएंगे। जबकि ऐसे फोटो छाप देते तो सुपर से भी ऊपर, वेरी हैंडसम, किस काम की किस काम की भैया ऐसी दोस्ती, जिस दिन दुख पड़े उस दिन आ जाना तो दोस्त है, नहीं तो वेरी हैंडसम, क्या नाइस जोड़ा है, फलाना है, फालतू की बात, ऐसी फालतू की चीजों से खुश भी होना चाहिए। आदमी को अपना कंसंट्रेट करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ना आलोचना से परेशान होना, ना बड़ाई से खुश होना। जिंदगी का ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो, लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें एक्सेप्ट करो, अच्छे लोगों को अपने जीवन का पार्ट बनाओ। जैसे ये थे, ये महान लोग थे, इन लोगों को अपने जीवन का आइडियल बनाना है। ये जो फोटो लगे उन्होंने कर्म के कारण महान है, बाकी जो सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं हार्डवेयर सिस्टम है वो तो हमारे जैसा ही है, सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग था, इसलिए महान है। हार्डवेयर तो दो आंखें दो कान हमारे सबके हैं, सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग था, इसलिए महान बने। लिख लिया, करें डिस्कस, बहुत आराम से लिखो, बहुत आराम से दिमाग में प्रिंट करो। इंग्लिश में आपसे कोई टकरा जाए बाहर का स्टूडेंट, ये मेरा दावा है, लेकिन हमें बाहर के स्टूडेंट से नहीं टकराना, हमें पेपर से टकराना है, हमें खुद से कंपटीशन करना है, हमें 50 नंबर से कंपटीशन करना है, हमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है। बाहर के या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स से हमारे मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। ना उसके मार्क्स ज्यादा आ जाए तो डिमोरलाइज होना है, और हमारे ज्यादा आ जाए तो घमंड नहीं करना है, कुछ नहीं। हमें सिर्फ हमारे कर्म को परफेक्ट करना है, कर्म को इतना परफेक्ट करोगे, सुबह पहले आप नाश्ता करके आए, नहीं करके आए, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं तो सरस्वती आपको आशीर्वाद दे रही है। जो लोग एबसेंट हैं उनको सरस्वती को भी परेशानी होती है, माँ सरस्वती को भी परेशानी होती है कि मेरी साधना किए बिना यदि तुम सफल होना चाहते हो तो संभव नहीं है। सरस्वती की साधना तो करनी पड़ेगी। जैसे सर भी कहते हैं एक मंदिर है,
इसमें आपको आशीर्वाद मिल गया तो लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं वो कि वास्तव में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जीवन बदल जाता है। उस मंदिर में जिस शिद्दत के साथ जाते हैं उसी शिद्दत के साथ इस मंदिर में आइए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आइए, सजदा कीजिए इस मंदिर में, देखिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, डेड सर्टेन है। लिख लिया कॉपी में, कॉपी लिख लिया तो बंद कर देना कॉपी को, पेन को टेबल पे रख देना और माइंड को कॉन्सेंट्रेटिव माइंड में ले आना। मैं तीनों कंडीशन को अभी फीड कर देता हूँ आपके लाइफ में, दोबारा इन कंडीशन को कभी भी एग्जामिन से मिलेंगे या मेरे पेपर में मिलेंगे, उसके अलावा कॉपी को खोल के नहीं देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान के हाथ में बैसाखी होती है ना तो उस पर चलना पसंद करता है, बैसाखी को फेंक दो चलना ही पड़ेगा, किसी को पानी में फेंक दो बचना है तो उसे तैरना सीखना पड़ेगा। क्लियर, कॉपी बंद कर दीजिए, मैं फीड कर देता हूँ। हमारी पहली जो आंख बंद कर लीजिए ताकि कॉन्सेंट्रेटिव माइंड थोड़ा अच्छा हो जाए। हमारी जो पहली कंडीशन है वो इम्पॉसिबल कंडीशन है, नाम है इमेजिनरी कंडीशन, हिंदी में नाम है काल्पनिक या असंभव शर्त। ये आपसे क्या उम्मीद करती है, वर्तमान में जो आप कल्पना करते हैं वो इस कंडीशन से कवर होते हैं। पहली बात, जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं एक वकील होता तो मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता, मेरी कल्पना है, मैंने इसी बात को घुमा दिया, यदि मेरे पास लॉ की डिग्री होती तो मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता। यानी कुल मिलाकर सेकेंड वाक्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्स्ट में जरूर फर्क पड़ा है। कैसे, पहले में मैंने बोला मेरे पास जो है मैं एक वकील होता और दूसरे में मैंने बोला मेरे पास लॉ की डिग्री होती, दोनों में फर्क पड़ गया। यदि मैं होता तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा और यदि मेरे पास होता तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा। मेरे पास एक लंबी कार होती तो हेड आएगा और जिसे कहते हैं मेरे पास जो है पैसा होता तो हेड आएगा और यदि मैं गुलाब का फूल होता तो तुम मुझे तोड़ लेते। ये कल्पना है, इफ आई वर ए फ्लावर यू वुड प्लक मी। आइए इसके फ्रेमिंग करिए, इफ बोलते चलिए, इफ सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, वुड या कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन तब काम आएगी जब मैं होता। पार्ट बी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन तब काम आएगी जब वाक्य का अर्थ मेरे पास होता। क्लियर, पहली कंडीशन, आंखें क्लोज रखना, मैं भी क्लोज से पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटिव माइंड काम कर रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उस पर सेंट्रलाइज कर देना, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेटिव पावर, बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको बिना आंखों के सेंट्रलाइज करना, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेटिव पावर बढ़ेगी। पार्ट बी पर आइए, पार्ट बी कहता है मेरा नाम, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, बोलते चलो सब बराबर, ए पूरी शर्त है और मेरा संबंध भूतकाल से है। फ्रेमिंग देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हेड को पहले रख दिया जाए तो वाक्य के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लिखने और दिखने पर फर्क पड़ेगा। यदि मैं चाहता तो एक डॉक्टर बन सकता था, सेंटेंस बनाइए जल्दी से दोनों तरीके से, यदि मैं चाहता तो एक डॉक्टर बन सकता था, इफ आई हैड वांटेड आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। दूसरे तरीके से बनाइए, हैड आई वांटेड आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। तीसरी कंडीशन पर आइए, मेरा नाम पॉसिबल कंडीशन है, हिंदी में मुझे संभव शर्त कहते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्लिक वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल
कॉमा फ्यूचर सिंपल दोनों वाक्यों में विल नहीं आएगा। इफ के बाद वाले वाक्य में कभी विल नहीं आएगा। वह वाक्य V1 या V5 से लिखा जाएगा और जो सेकंड वाक्य है उसको विल प्लस V1 से लिखा जाएगा। दोनों वाक्यों को बोलेंगे फ्यूचर में, लेकिन एक वाक्य को लिखेंगे प्रेजेंट में। जो वाक्य इफ के साथ आएगा उसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, यानी V1 और V5 में लिखा जाएगा। इफ के साथ ही शी इट एनी सिंगुलर कोई काम करेगा तो V5 आएगा, और यू वी दे एनी बहुवचन इफ के साथ काम करेगा तो V1 आएगा। ओपन योर आइज, लगा किसी दूसरे लोग से आ रहे हैं लगा नहीं लगा? कॉन्सेंट्रेटिव माइंड यहां पर नॉलेज कहां रोटेट हो रही है पता नहीं चल रहा है। तो आपने कहा यदि मेरे पास ATM कार्ड होता तो मैं 5,000 रुपए निकलवा लेता। बोलो खराब बोलो, मेरे पास ATM कार्ड होता तो मैं 5,000 रुपए निकलवा लेता। इफ आई हैड ATM कार्ड आई वुड विदड्रॉ 5,000 रुपीज फ्रॉम बैंक। यदि मैं एक तोता होता तो तुम मुझे छेड़ते, तुम मुझे टीजिंग करते। इफ आई वर ए पैरट यू वुड टीज मी, यू वुड टीज मी, जाने दो। यदि तुम चाहते तो मुझे जो है मैसेज कर सकते थे, तुम चाहते तो। इफ यू हैड वांटेड यू वुड हैव या कुड हैव मैसेज्ड मी, व्हाट्सएप्ड मी। यदि तुम चाहते तो तुम मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुला सकते थे। हैड यू वांटेड यू वुड हैव इनवाइटेड मी टू योर बर्थडे पार्टी, टू योर बर्थडे पार्टी। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो पहला रैंक प्राप्त करोगे, यदि करोगे। इफ यू टॉइल यू वुड टेक द केक और टेक द बिस्किट। यदि तुम तेज गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा घातक एक्सीडेंट हो जाएगा। इफ यू ड्राइव योर कार फास्ट, इफ यू ड्राइव योर कार फास्ट, इफ ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट ही विल शी विल यू विल मीट विद ए फैटल एक्सीडेंट, यू विल मीट विद ए फैटल एक्सीडेंट। पहाड़ी क्लियर, इफ की तीनों कंडीशन क्लियर। ये 23 पॉइंट दिमाग में प्रिंट कर लेना। अगले संडे को इनका हम थोड़ा सा वर्बल डिस्कशन करेंगे कॉपी लेस सिस्टम के द्वारा। ना कॉपी होगी हमारे हाथ में, ना बुक होगी हमारे हाथ में, हम जो है दिमाग से गेम खेलेंगे, केवल दिमाग से। और डेड सर्टेन आपको मैं कहता हूँ ये 23 पॉइंट आपके दिमाग में मैं फीड कर दूंगा, मगर अगले संडे को आप ऑफ नहीं करेंगे। और ऑफलाइन प्रेजेंट हो तो आई थिंक फार बेटर, क्योंकि उससे जो गेम खेलने का मजा आता है वो कुछ और अच्छा आएगा। तो अगले संडे को सभी ऑनलाइन फ्रेंड सुन ले, यदि ऑफलाइन प्रेजेंट हो जाए तो आई थिंक फार बेटर। जो रिजल्ट 90% आएगा वो वहां पर 100% को क्रॉस